स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये हैं चाहते में एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं रुद्र और प्रीशा, लेकिन बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन में अपनी बदली हुई जिंदगी के साथ। अब ऐसे में प्रीशा जो अरमान की पत्नी बनकर रह रही है, लेकिन रुद्र से तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अब भाई बेशक ही दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे से नफरत करने का दिखावा क्यों ना करते हो, लेकिन सभी जानते हैं कि प्रीशा और रुद्र एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वहीं अब आप देखने वाले हैं कि अरमान प्रीशा को शादी के लिए प्रपोज करेगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी और वहां से चली जाएगी। अरमान को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसे प्रीशा को ये सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन प्रीशा अपनी अम्मा को बताती है कि अरमान ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, वो जो नाटक कर रही है उसे वो सच बनाना चाहता है। अरमान तब आएगा, उससे माफी मांगेगा और कहेगा कि उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन प्रीशा उसे माफ़ करती हुई नजर आएगी। यहाँ रुद्र बहुत परेशान होगा कि ये कैसे हो सकता है, प्रीशा किसी और से प्यार कैसे कर सकती है और ये मुझे क्या हो रहा है, मैं प्रीशा के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे उससे नफरत है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। वहीं अब आप देखने वाले हैं कि अरमान और प्रीशा के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि प्रीशा जानबूझकर रुद्र के सामने अरमान के करीब जाएगी। तो यहाँ पर रुद्र भी प्रीशा को खाने के लिए देविका से शादी करने का फैसला लेने वाला है। जी हाँ, आप देखने वाले हैं कि रुद्र अब कहेगा अरमान से कि वो देविका से शादी करने की इजाज़त चाहता है। ये बात सुनकर प्रीशा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगी। वर्ल्ड शो के आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगे, तो देखते रहिए स्टार प्लस पर। ये हैं चाहते हैं।